वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं सौम्य रंजन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया सोच नया सवेरा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं ग्रोहे का थर्मोस्टेट ट्यूब बल्ब का अपर पार्ट मतलब ट्रिम कैसे सेटिंग होता है उसका फुल डेमो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए बल्ब के जो ऊपर जो प्लास्टिक रहता है पहले उसको अच्छी तरह से टाइल्स के बराबर में काट लेना रहता है, एकदम बराबर से काटना है। ये ध्यान रखना कहीं ऊपर नीचे नहीं हो, उससे ट्रिम का व्यू कवर ऊपर नीचे हो जाता है। एकदम बराबर से टाइल्स के बराबर से काट लेना है। देखिए कट गया। उसके बाद जितना भी ट्रिम के अंदर में जितना भी पार्ट आया होगा बॉक्स में सबको अच्छी तरह से निकाल के एक जगह सरिया लेना है, जिससे कि फिट करने टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे पहले कैटरिज का बेस को हमको ऊपर वाला होल्स में बैठाना है। उसमें दो छोटा छोटा होल्स होगा, उसी को देख के अच्छी तरह से बेस को बैठाना है। उसके ऊपर से ब्रास का जो नट है उसको अच्छी तरह से कस लेना है। देखिए अच्छी तरह से नट कसा गया, स्लाइडिंग से हल्का टाइट कर देना है इसको। उसके ऊपर कैटरिज को भी बैठाना है। सेम कैटरिज के भी बैठाने के टाइम दो छोटा और एक बड़ा होल होगा, वो देख कर अच्छी तरह से बैठाना रहता है। कैटरिज भी बैठ गया, कैटरिज को भी हल्का टाइट मार लेना है स्लाइडिंग से। उसके ऊपर से प्लास्टिक का व्हाइट कलर का जो रिंग होगा इसको पहना देना है कैटरिज के ऊपर। उसके ऊपर उसका सीपी कलर का जो कवर होगा स्क्वायर वाला वो ऊपर नीचे थर्मोस्टेटिक में और ऊपर कैटरिज में भी बैठा देना है। अब इसके ऊपर स्टील का जो प्लेट है उसको इसमें पुश करके बैठा देना है। देखिए अच्छी तरह से सीधा करके उसको अंदर की तरफ पुश करना है, वो बैठ जाएगा। उसके बाद दो ब्रास नट होगा लंबा वाला करीब 2.5 इंची का, उसमें प्लास्टिक का वाशर दिया होगा वो डाल के उसको स्टील के कवर के ऊपर से कस लेना है। हल्का टाइट कर देना है कि प्लेट हिले ना, प्रॉपर बैठ जाए। देखिए हम लोग का ये अच्छी तरह से टाइट हो गया है। इसके ऊपर हल्का ग्रीस या तेल इसके ऊपर लगा देना है कि जब ऊपर का ट्रिम उसमें पुश करें तो अच्छी तरह से बैठ जाए। चार होल्स देखिए ट्रिम पर है और उसमें चार जो नट का ऊपर है उसी पर वो बैठना है। आराम से पुश करना है, उस पर वो बैठ जाएगा। देखिए बैठ गया है। अब इसके ऊपर से का ऊपर का कवर को डाल के उसको अच्छी तरह से कस लेना है। टाइट हो गया, अब इस कवर को भी डाल के कस लेना है। उसके ऊपर दो छोटा छोटा प्लेट होगा स्क्वायर में, उसको उसके ऊपर लगा देना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। हम लोग रेडी।